तो हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक टू द लाल गेम। तो कैसे हो आप लोग, होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आगे बढ़िया ना। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग का वन पंच मैन का गन स्किन है, क्या आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड गाइस, जो न्यू शॉटगन की स्किन देखने को मिलने वाली थी रमजान इवेंट वाले, वो किस टाइप के इवेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, साथ में कब तक देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, उसके साथ ही बात करने वाले हैं रमजान विश इवेंट के बारे में, क्योंकि आप लोग को आई थिंक पता नहीं होगा रमजान विश का भी एक स्पेशल इवेंट हमें इस बार देखने को मिलने वाला है, जिसमें बड़ी MP40 भाई क्या ही बोले वाला मेन बंडल भाई, लोकेश गेवर बंडल, जो भी बंडल बोलो, बाकी सभी मेन बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाले। तो गाइस, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड गाइस, साथ ही बात करने वाले हैं आने वाले डायमंड रॉयल के बारे में, कि नेक्स्ट डायमंड रॉयल आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, आप लोग मानोगे नहीं कितना पुराना बंडल इस बार हमें गरीना चिपकाने वाली है, जो कि आप लोगों ने कभी सोची ही ना होगी। तो गाइस, आज का जो वीडियो है डेली की तरह इंटरेस्टिंग एंड गाइस धमाकेदार होने वाला। तो जितने भी वीडियो देखने आए हो, बेशर्मों की तरह वीडियो देख रहे हो भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इतने सारे लोग वीडियो देखने आते हैं एंड गाइस लाइक नहीं करते, बहुत दिल से बुरा लगता है भाई, डीमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, कभी कभी मन करता है वीडियो मत बनाओ, लेकिन भाई कुछ बंदे हैं सपोर्ट करने के लिए, कमेंट सेक्शन में भाई बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं। तो गाइस, जितना भी न्यू आए हो प्लीज लाइक कर दिया करो यार। अगर चैनल पे नहीं हो, पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जो बगल में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर देगा, ताकि आप लोग कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट कभी भी मिस ना कर सको। तो गाइस, चलिए बाकी सब बातों को साइड में रखते हैं, एंड में टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। एंड गाइस, अगर इस डायमंड रॉयल को अगर आप लोग देखोगे ना, तो मतलब गरीना को आप लोग मान जाओगे, गरीना कितना से कितना पुराना बंडल हम लोग को मतलब फ्री वाला भी चिपका सकती है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन में देखने वाले, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट डायमंड रॉयल देखने को मिल जाता है। यही बंडल हमें नेक्स्ट डायमंड रॉयल में देखने को मिलने वाला। एंड गाइस, आप इस बंडल को तो वैसे आप लोग पहले से जानते हो, ये पिछले साल का बंडल है, मतलब 2021 का। एंड गाइस, इसमें 2022 चल रहा है। तो गाइस, दो मतलब एक साल पहले का ये बंडल है। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मुझको कैसे पता चला कि ये 2021 का बंडल है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब 2022 चल रहा है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग इसका भाई बंडल पर ध्यान से थीम देखने वाले हो, तो यहाँ पे अगर इसका सिक्स पैक देखो, तो यहाँ पे 2021 लिखा है, 2021। तो गाइस, यहाँ से पता चलता है कि भाई ये जो बंडल है एक साल पुराना है। तो गाइस, वैसे इन सब बातों को छोड़ दो, गरीना का ये पुराना काम है, मतलब क्या ही बोले पुराना बंडल चिपकाने का। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, बात कर लेते हैं जो आपका मेन, मतलब कई लोग ये सुन के भाई बहुत खुश हुए थे कि जो आपका रमजान विश का इवेंट आने वाला है, उसका जो सीन कैसा क्रिएट मतलब दिखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, मेन कौन से बंडल रिटर्न में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये जो इवेंट का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का रहने वाला, जो कि पूरा का पूरा रमजान इवेंट पे रहेगा। एंड गाइस, यहाँ पे रमजान इवेंट का टोकन मिलेगा। एंड गाइस, बात कर ले बंडल्स की, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत पुराना बंडल जो है इसमें रिटर्न में देखने को मिल जाता है, डॉक्टर बंडल। एंड गाइस, अगर हम लोग बात कर ले वेपन कलेक्शन में, वेपन की कौन कौन सी गन स्किन जो है रिटर्न में देखने को मिलने वाली, तो यहाँ पे मेनली जो आपकी रहने वाली है वो आपकी बनी MP40 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बनी MP40 वैसे मेन बहुत ही OP होने वाली है। तो गाइस, क्या ही बोले, कितने लोग इसके लिए एक्साइटेड है मुझे कभी उसे बता देना। एंड गाइस, देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है। वैसे केवल बनी MP40 मेनली नहीं रहने वाली है, और भी बहुत सारी गन स्किन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें जो मेनली आइटम अभी तो कंफर्म नहीं है, बट इसका जो इवेंट आता है अक्सर हमें पुराने या गाइस रेयर बंडल ही रिटर्न में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सारे के सारे OP बंडल इसमें आपको रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। एंड डायमंड हो सके तो जरूर से बचा लेना। एंड गाइस, वैसे ये रमजान विश का इवेंट बहुत दिनों बाद आ रहा है, पहले रमजान विश का इवेंट ऐसा नहीं आता था इंडिया सर्वे, ठीक है, नॉर्मली चला जाता था, बट इस बार लगता है गरीना ने कुछ ठान के रखा है। एंड गाइस, रमजान विश का भी स्पेशली इवेंट चलाया जा रहा है। वैसे कल एक स्पेशल टाइप का जो इवेंट आपको देखने को मिल गया था, लोकेश गेमर का जो बंडल, मतलब क्या ही बोले उसका नाम मुझको नहीं पता, तो वही बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो तीन डिमांडिंग बंडल यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तीनों में जो सबसे फर्स्ट वाला है वो तो क्या ही बोले बहुत ही रेयर बंडल, वैसे तीनों का तीनों जो बंडल है नीचे वो डिमांडिंग इंडिया स्तर पर रहता है, बट गरीना ने सरप्राइजिंगली कल एक ही बार एड कर दिया जो है ये वाला बंडल। एंड गाइस, बात कर ले बंडल की, तो तीनों बंडल बहुत ही OP है। वैसे मैंने रेड वाला चूज किया, आपने कौन सा चूज किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, बात कर लेते हैं अपकमिंग आने वाले वन पंच मैन की जो गन स्किन है वो रिटर्न में आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, उससे पहले बात कर लेते हैं जो हमें नई रमजान इवेंट में जो गन स्किन देखने को मिलेगी शॉर्ट गन की, उसके बारे में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बात कर लेते हैं इवेंट के बारे में, किस टाइप के इवेंट में आपको देखने को मिलने वाली है। वैसे इवेंट अभी कंफर्म नहीं है, बट अभी बहुत ज्यादा सर्वर पे कैश क्या है बोले टोकन टावर के इवेंट में आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा चांसेस निकल के आ रहा है जो हम लोग का रमजान वाला इवेंट में गाइस क्या ही बोले जो शॉर्ट गन की गन स्किन है देखने को मिलेगी, स्पेशल एक हमें टोकन टावर का भी इवेंट देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, यहाँ पे जो शॉर्ट गन की स्किन है बात करें तो ये आपको बहुत OP देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, साथ में इसके भाई दो आइटम हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोनों के दोनों मिली वेवन हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम लोग की एक कटाना की स्किन होने वाली है। कटाना की स्किन भी बहुत से हरे लुक में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पूरा का पूरा फ्लेयर व्लेयर फेंक रहा है। एंड गाइस, बहुत करता है नेक्स्ट लेवल वाला सीन क्रिएट हो रहा है। एंड गाइस, बात कर ले सेकेंड मिली वेवन की, तो वो आपको परहान की स्किन देखने को मिलने वाली है। परहान की स्किन सही बताऊँ मुझको तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगी, इसका अगर लुक की बात करें तो बहुत ही
नेक्स्ट लेवल जहर वाला आपको लुक देखने को मिल जाता है। वैसे आपको दोनों मिली वेपन में से कौन सी मिली वेपन अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इसके डेट के बारे में कि कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। अभी देखो इसका डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं है एंड गाइस जो हम लोग का निकल के आया कैलेंडर उसमें भी शॉटगन के बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ये आपको सरप्राइजिंगली कभी भी देखने को मिल सकती है, बट जैसे इसका डेट निकल के आता है 4 से 5 दिन पहले मुझको अक्सर पता चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली पता चल जाता है। तो गाइस मैं हो सके आप लोग को जरूर से बता दूंगा अपनी वीडियो में, तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं जो आप लोग की वन पंच मैन वाली गन स्किन है वो आपको रिटर्न में देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो गाइस आप लोग को पता होगा इस समय जो हम लोग का रमजान इवेंट चल रहा है उसमें स्पेशल रमजान शॉटगन की स्किन अभी मैंने आप लोग को बताया जल्दी टोकन टावर में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस जब भी हमें देखने को मिलेगी उससे पहले आपको हो सकता है ट्रॉपिकल पैरेट या फिर वन पंच मैन में से दोनों में से कोई भी एक गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देने वाले तो इसका डेट वैसे भी मतलब डेट एंड गाइस जो शॉटगन की स्किन है उसको कैलेंडर में नहीं बताया गया, तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले कोई एक गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल जाए। एंड गाइस उसके बाद जो आपको रमजान की शॉटगन की स्किन में अलग आपको मैंने अभी अभी इवेंट बताया क्या ही बोले टोकन टावर वाली इवेंट में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अभी कोई ऐसे कंफर्म लीक तो निकल के नहीं है, बट जैसे कुछ भी अगर कंफर्म होता है तो मैं जरूर से अपने वीडियो में अपडेट कर दूंगा। एंड अगर चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। एंड गाइस आप लोग वीडियो फुल एंजॉय किया होगा, तो जितना वीडियो देखने आए हो लाइक कर दो यार, मतलब क्या ही बोले इतने देर से बकबक कर रहा हूं, तो लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर चैनल पर न्यू हो पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करिएगा ताकि आप लोग कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट कभी भी मिस ना कर सको। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।